उसने क्या करना है, उसका शौक क्या है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने उस सोच को, अपने जहन में आए हुए ख्याल को अपने असातज़ा, अपने पेरेंट्स के सामने बयान करें। और असातज़ा को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको सुने, उनके सुने कि वो क्या कहना चाहता है, वो अहमद क्या कहना चाहता है। अगर वो अहमद कह रहे हैं जी मैं, मिसाल के तौर पर वो कोई फर्जी बात भी कर सकता है कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, उसको सुने क्यों बनना चाहता है, उसके पीछे क्या ख्याल आ रहे हैं। फिर उसके बाद कैरियर काउंसलिंग का मरहला शुरू होता है, फिर उससे डिस्कशन शुरू होगी। और जहाँ पे वालदैन और टीचर्स भी रुक जाएंगे तो फिर वो किसी प्रोफेशनल से रब्ता करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके अहमद को ये ख्याल आता है, उसके कॉलेज में कोई सीएसएस ऑफिसर आता है और उसको देखता है जी वाह उसके पास तो गनमैन है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और उसके जहन में आता है कि नहीं मुझे तो आज से सीएसएस ऑफिसर बनना है, तो फिर वो टीचर्स के साथ डिस्कस करे, वालदैन के साथ डिस्कस करे, फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी सीएसएस ऑफिसर के साथ उस अहमद को मिलवाए ताकि वो उसके साथ बैठ के डिटेल में डिस्कशन करें कि आपके जहन में ख्याल कैसे आया, क्यों बनना चाहते हैं, क्या ख्याल है, आज से 10 साल बाद 15 साल बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, आप एक सीएसएस ऑफिसर बन के, आप एक डॉक्टर बन के, आप एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बन के, आप जीडी पायलट बन के, आप आर्मी ज्वाइन करके आज से 10 साल बाद क्या देख रहे हैं अपने आप को, तब जाके कहीं ना कहीं उस अहमद की क्लैरिटी है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर कहूँगा, मैं यकीन से कहता हूँ आप मेरे सामने जो फ्यूचर बैठे हैं, आप यकीन सब ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, आपके जहन में ख्याल आते हैं, आप ज़रूर डिस्कस करें। पर आपको ये आप फॉर्चुनेट बात है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये स्टूडेंट्स स्पार्क एजुकेशनल सर्विस के ये स्टूडेंट्स आपको अवेलेबल है, ये आपके पास खुद चल के आए। और ये तो और अच्छी बात है कि आपको जो है ये जो है वो कुछ जूसेस वगैरह भी तहसील कर रहे हैं, ये तो आप भला कर रहे हैं, आपको अच्छी बातें भी बता रहे हैं और आपको जो है गुलाब गुला भी रहे हैं। इनसे अच्छे लोग कोई नहीं है, तो इनका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आप इनसे डिस्कस करें, इनकी टीम में मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स भी हैं, इनकी टीम में लॉ से रिलेटेड भी हैं, और आज भी उन्होंने एक गेस्ट स्पीकर बुलाए हुए हैं, इनकी टीम में मुख्य शोबों से लोग हैं। आप इनसे बिल्कुल डिस्कस करें, डिटेल में करें, और उसके बाद अपने कैरियर को आप प्लान करें। मैं मिसाल दूँ अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैट्रिक में आई गॉट सेकेंड पोजिशन इन रावलपिंडी बोर्ड। अब रूटीन क्या होती है कि बोर्ड का टॉपर है तो लिहाजा इसने तो एम के आई टी करना है आगे, तो ऐसे ही हुआ। मेरा अपना शौक था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला कि जो जो बातें आपसे मैं कर रहा हूँ वहाँ हमें मिलती थी। जैसे भी मैं बात कर रहा था आपके प्रिंसिपल साहब से कि मिसाल के तौर पे आपके सामने एक प्लेट में जो है वो बिस्किट रख दिए जाए, एक प्लेट में केक रखा जाए, एक प्लेट में जो है वो नींबू रखी जाए, अब आपको आपके अपने शौक के मुताबिक है कि आप क्या चीज़ पसंद करेंगे खाना। तो सिमिलरली जब आपकी सामने ट्रे के अंदर एक जगह पे लॉ के एलएलबी को डिटेल में रखा जाए, एक जगह आपके सामने डॉक्टरी के शोबे को डिटेल में रखा जाए, एक जगह आपके सामने इंजीनियरिंग के शोबे को डिटेल में रखा जाए, एक जगह आपके सामने जो है वो बिजनेस स्टडीज को डिटेल में रखा जाए, अब आप सोचेंगे कि हमने किस साइड पर जाना है। तो मकसद ये कहने का है, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये फर्दर आपको इस तरह के सेशंस करवाएं। तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये शौक पैदा हुआ कि जी मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली फर्स्ट ईयर से। अब जी वो चार से पाँच महीने जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे थे, तो पीछे से वालदैन का एक बराबर प्रेशर था कि नहीं जी आप स्विच करें, आप एम कैट की तरफ जाए, आप ई कैट क्यों रख रहे हैं, आप एम कैट की तरफ जाए। तो पहले मैं भी उनके साथ जो है वो बातचीत करता रहा करता रहा, जहरी सी बात है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कहाँ इतना इस कैलिबर का होता है कि अपने वालदैन के सामने ये बात रखे। फॉर्चुनेटली चूंकि पता था, क्लैरिटी थी, जहन क्लियर था, तो मैंने फिर भी थोड़ी बहुत बहस की, लेकिन अल्टीमेटली मैं हार गया। पाँच महीने बाद वो जीत गए, उन्होंने मेरे टीचर्स को कन्विंस कर लिया, मैंने एम कैट में स्विच कर लिया। अब वो मुझे याद है अभी भी कि वो जो दो साल जिस अजियत से मैंने वो एम कैट की, वो जो आप कह रहे हैं बायोलॉजी पढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ ये सोचा जाता है जी मैथ में अच्छे नंबर है, बायो में अच्छे नंबर है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो लेकिन फिर भी दो साल जब मुझे ज़्यादा हुआ कि ये भी शौक नहीं है डॉक्टर का, तो फिर मैंने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया, मैंने उनसे बाकायदा तौर पर रजिस्ट करके, उनके साथ बहस करके, मैंने डॉक्टरी वाले शोबे से भी स्विच लेके बिजनेस स्टडी कर दिया। सारी बातें आपको पता बताना बड़ी आसान लग रही है, लेकिन ये मुझे पता है उस टाइम पे कितना मुझे मुश्किल पेश आई। हालांकि मेरे वाले साहब खुद टीचर हैं, खुद इस चीज़ से गुजरे हैं, लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं थी,
अब अल्टीमेटली आई अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एडमिशन इन आईबीए कराची और स्कॉलरशिप और वहां से मैंने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टार्ट कर दिया। और बैक इन द माइंड मैट्रिक फर्स्ट ईयर में मेरे जहन में एक चीज थी कि कॉलेज में हमें अवेयरनेस होती थी कि सीएसएस करना है, शायद ये भी एक वजह कि डॉक्टरी के शोबे को चूज नहीं कर सकते थे, हालांकि डॉक्टर भी सीएसएस करते हैं, बट मेरा माइंड सेट कुछ और था। अभी डिटेल में बात शायद ना हो पाए, टाइम कम है, तो मकसद बताने के लिए कि मैंने रजिस्टर किया, मेरे वालदैन मुझसे एक साल दो साल नाराज है क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि आईबीए कराची क्या इंस्टीट्यूट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्या डिग्री है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी अच्छा एंड अप किया और उसके बाद अपने शौक के मुताबिक जो फर्स्ट ईयर मैट्रिक फर्स्ट ईयर में था कि सी एस एस करना है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में सी एस एस किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सी एस एस करना ठीक था, डॉक्टरी करना गलत था, इंजीनियरिंग करना ठीक था, बिजनेस स्टडीज करना गलत था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं जो भी कर रहा था बैक इन द माइंड मेरा जहन भी क्लियर था, मेरा दिल भी क्लियर था, मुझे पता था जो जो मैं रिस्की डिसीजन ले रहा हूँ उसके आगे मुझे 10 साल बाद 15 साल बाद क्या मुझे फेस करना है। फॉर इंस्टेंस आज मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन की तो अब मुझे पता है कि इस कैरियर को मैंने आगे लेके चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इसमें मुतमइन हूँ कि जो शौक मुझे ज़िंदगी में था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे लोगों की ज़िंदगी पर इम्पेक्ट पड़े, और यकीनन डॉक्टरी भी एक ऐसा शोभा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पीछे माइंड सेट वो हो कि हम डॉक्टर इसलिए बन रहे हैं, ये सोचना हो कि इसलिए डॉक्टर बना तो कल को कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो कम से कम अपनी क्लिनिक खोलेंगे, इसलिए जनाब इसको हम जो है वो कारोबारी बिजनेस स्टडीज करवा देंगे, चले कि कल को नौकरी नहीं मिलेगी तो ये कर देंगे, तो ये बात नहीं है। तो उस चीज़ को देखते हुए जब 2014 में मुझे इन तमाम मुश्किलात से मैं गुजर रहा था 2013 और 2014 में, तो उसके बाद 2015 में मेरे वालिद साहब जब मुझसे कन्विंस हो गए साल की नाराजगी के बाद, तो उन्होंने मुझे पुश किया कि अब बेटा आप निकलें, आप साउथ पंजाब में इंटीरियर सिंह में जाके कैरियर काउंसिलिंग सेशन करें और जिस मुश्किल से आप गुजरे हैं आप स्टूडेंट्स को बताएं, और स्टूडेंट से ज़्यादा उनके अल्फाज थे कि आप टीचर्स को बताएं कि हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स की काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। हो सकता है आज के इस मुख्तसर सेशन से आप में से चार लोग उठ के आ जाएंगे, हमें मिसाल के तौर पे हमें जनाब जो है एलएलबी करना है, हमें मिसाल के तौर पे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को ज्वाइन करना है, हमें फाइन आर्ट्स में आगे प्रसू करना है, तो हो सकता है कि आपकी सोच को हम 100% जो है अमली तश्कील ना बने जब तक कि आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स कन्विंस ना हो, वो भी आपसे इसी तरह नाराज़ हैं। इसलिए मैं फिर से ये कहूँगा कि बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। उसके बाद हमने भी कोशिश की 2015, 16, 17, 18 आपके सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, मीरपुर खास यूनियन में, नवाब शाह में, इधर आपके इन इलाकों में, आप करुंडी में, फैजगंज, पक्का चांद इन इलाकों में सेशन किए 2018 में। तो ये सारी चीज़ें जो है आप सबके सामने इंटरेक्ट करने का मकसद यही है कि हम चूँकि खुद इन चीज़ों से गुजरे हैं तो हम नहीं चाहते कि मेरे सामने बैठे हुए आप सब लोग इन सब चीज़ों से गुजरें। अब इसकी तमाम तफसीलात, तमाम डिटेल्स तो ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट शोबों से आपके सामने, ये आपके सामने रखेंगे। मेरा मकसद सिंपली आपको एक रियलिटी देना था। मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ, मोटिवेशन आपको लेनी है तो कासिम अली शाह साहब को सुने, आपको जितने किलो में मन में चाहिए आपको मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि आपको अभी से अपने बारे में सोचना है और ये आपको ही सोचना है। ये भूल जाए कि आज से 5 साल बाद फिर आप ये सोच रहे होंगे कि जी काश उस टाइम पर ये कर लेते तो फिर वो काश काश रह जाएगा। तो ये आज आपको मौका मिला है, ये जो आपके संबंध के जितने भी मैं सबको जो है ना बड़ा खींच के रखा हुआ है, मैंने कहा जी अगर आप लोग यहाँ से निकले हैं, आप डॉक्टर बने हैं, आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, आप आईबीए कराची लम्स तक पहुँचे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि स्टूडेंट्स को आप खुद उंगली से पकड़ के लेके जाएँ। तो इनको बिल्कुल मैं आगे भी इनके साथ इन टच रहूँगा, इनको मैं इसी तरह से जो है जहाँ होगा इनको हम हेल्प करेंगे, लेकिन आप पे फर्ज ये है हमारे असातिज़े कराम बैठे हैं, आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा, आपके वालदैन से इनसे पूछें लाजमी, इनसे लाजमी रब्ता करें, या अपने फ़ोन नंबर भी इनसे मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को कि आपको दे के जाएँ। कभी भी ज़रूरी नहीं कि आज के सेशन में आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, ये तो छोटा सा सेशन है, जब भी आपको मौका मिले, आपका जब भी माइंड सेट बने, आप लाजमी जो है
इनसे आप रब्ता करें और तब ही जाके इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग 5 साल बाद हमें कहीं पर मिले, आप में से कुछ लोग 10 साल बाद मुझे कहीं सक्सेसफुल किसी कैरियर में मिले, चाहे वो डॉक्टरी का शोभा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो CSS का हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज का हो, चाहे वो लॉ का हो, कोई भी हो, हम ये चाहते हैं कि जो भी करें आप अपनी सोच और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करें। इस सब के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस टू दिस टीम, और आई रियली अप्रिशिएट दैट कि इन्होंने अपने ये जो इनिशिएटिव लिया, और मैं इनसे कहूँगा कि इसको सस्टेनेबल रखना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। Thank you so much. Thank you.